नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैली हब सारवेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। आज मैं हूँ गांव खोखणी, ब्लॉक रादौर इंद्री और डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से जो है हम अभी लाइव शूट कर रहे हैं। और मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर जो है ये नज़ारा है, जिसके लिए बहुत से लोग जो हैं तरसते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे जो फीलिंग आ रही है पूरी, जैसे मैं हिमाचल में जाता हूँ तो वही जो फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये आप देख रहे हैं आपके सामने जो है यहाँ पे। तो दोस्तों, मनीष टिवाणा जी जो हैं मेरे साथ हैं, जो इस बाग को जो है मेंटेन कर रहे हैं, जिन्होंने इस बाग को लगाया है। आइए मैं आपसे बात कराता हूँ। मनीष जी, इस बाग को लगाए हुए आपको कितना समय हुआ? पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। इस बाग को लगाए हुए जी लगभग 3 ईयर्स हो चुके हैं अब अगस्त में। ठीक है, 3 साल पूरे हो गए। हाँ जी जी। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कई तरह के पौधे जो हैं इसमें आपने लगाए हुए हैं। हाँ जी। तो क्या क्या आपने इसमें लगाया हुआ है? देखिए, इसमें एक तो चंदन लगा हुआ है जी। चंदन का पौधा आप दिखाएंगे जरा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। ये अपना चंदन का पौधा है दोस्तों, ये आप देखिए। चंदन के पौधे की खेती जो है हम लोग अक्सर जो है YouTube वगैरह पे हम देखते हैं, लेकिन ये आज आपके सामने जो है ये चंदन का पौधा है। 3 साल का ये प्लांट हो चुका है और ये जो है इसकी विड्थ जो है हो चुकी, मोटाई हो चुकी है 15-16 इंच के लगभग, 15 से 16 इंच जो है इसकी मोटाई अभी ले चुका है। ठीक है जी। तो चंदन के पौधे के साथ ये नीम भी लगा हुआ है। हाँ जी, नीम के पौधे काफी लगे हैं अपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका क्या रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ये चंदन है एक परजीवी पौधा है जी। इसको हमेशा जो भी अपनी खुराक ग्रहण करते हैं दूसरे के पौधे की जड़ों से ग्रहण करता है। ठीक है। और इसके अंदर बनता है हार्डवुड चंदन के अंदर जी, और नीम के अंदर होता है ऑयल। हाँ, तो ये उसको मेंटेन और लास्ट तक मेंटेन करने में काफी मदद करता है। मदद करेगा। हाँ जी, मतलब फीडर है, फीडर है एक तरह का। और इसके साथ हमने कर रखी है अमरूद। अमरूद की बागवानी आप देखो, पीछे जो है अमरूद के पौधे काफी लगे हुए हैं उसके बीच में। हाँ, और अमरूद का साइज आप थोड़ा सा दिखाओगे? ये आप देख सकते हैं अमरूद का साइज जो है, और इसी में जो है ये आपकी मौसमी का पौधा लगा हुआ है। और अभी इसके साथ मैंने जो है ये बब्बू गोशा का पौधा देखा है, सेब भी लगे हुए हैं। ठीक है जी। ये प्लांट जो है ये सेब का है, तो सेब जो है मतलब हो जाता है जी अपने यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हो रखा है। अच्छा, फ्रूट लिया आपने इससे? हाँ जी, आपकी बात, फ्रूट लिया इससे हमने, फ्रूट भी लिया है। तो कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ तो काफ़ी तरह के फ्रूट्स जो हैं आज हमारे घर में ही हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि इस फील्ड में जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कम से कम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड हम यूज़ करें, अदरवाइज़ जो है इसमें भी कैली हब्स के प्रोडक्ट्स को ही यूज़ किया जा रहा है जी। तो अभी जैसे जीरी अपनी कट चुकी है, उससे पहले आपके पास टमाटर की फसल थी। हाँ जी। तो आपने लगभग 2-3 फसलों में यूज़ कर चुके हो कैली हब्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब तक का जो एक्सपीरियंस है उसको हम कैसे काउंट करें? देखिए जी, मैंने टमाटरों में बहुत ज़्यादा बीमारी आ चुकी थी आपकी बार, लेकिन जैसे कैली हर्ब और फसल रक्स का उपयोग किया तो बीमारी भी बिल्कुल गायब ही हो गई, बस खेत से बिल्कुल ही। और अब मैं इसको गोभी में भी यूज कर रहा हूँ, गाजर में भी यूज कर रहा हूँ, और अपने बाग में भी बहुत अच्छी तरह यूज किया, और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है जी। और मैं आपको बता दूं, जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो तब इनके टमाटर में जो है एक ऐसा चैलेंज था जिसको हम विल्ट का नाम दिया जाता है, और उससे जो है अगर 1 एकड़ की मैं बात करूं, 1 एकड़ में लगभग 2 से 2.5 कनाल हमारा ख़त्म हो चुका था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। तो क्या जब मैं उस समय आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और हमने उस पर ट्रीटमेंट किया था, आपको कुछ उम्मीद थी कि कुछ ऐसा क्रिसमस में हो सकता जी, है? हम तो उम्मीद बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उससे 2 से 2.5 कनाल बिल्कुल ही डैमेज हो चुका था जी। और आपके बाद टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई थे और बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि ये इंक्रीज हो पाएगा, पर लेकिन जैसे ही कैली हर्ब और फसल रक्स को उपयोग किया गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट, अच्छे नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। हाँ, उसमें हमने जो है कैली हब्स को जब यूज़ किया, उसमें विल्ट हमने एक यूज़ किया था, तो उससे क्या हुआ, उसने प्लांट को वहीं का वहीं रोक दिया, और उसके बाद भी मुझे लगता है अच्छी फ्रूटिंग हमने उससे ली है। बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग ली। ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं अमरूद जो है बड़ा अच्छा अमरूद है पौधे के ऊपर, प्लांट के ऊपर है, और एक एक फ्रूट जो है 250 से 300 ग्राम तक का जो है फ्रूट यहाँ से ले चुके हैं। और अगर किसी भी फार्मर को कोई क्वेरी करनी है, कोई पूछना चाहे, तो एक बार मनीष जी अपना नंबर शेयर कर दीजिए। जी मेरा नंबर है 8397800047। ठीक है जी, शुक्रिया। और अगर कोई विज़िट करना चाहे तो आप कॉल करके जो है मनीष जी को, और आप अपनी जो है विज़िट भी कर सकते हैं। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।